सब्सक्राइब कीजिए केडे घोष चैनल को एंड बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, केडे घोष चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको सिक्किम रैली के थ्रू इंडियन आर्मी में जो लेटेस्ट रिक्रूटमेंट होने वाले हैं उसके फुल डिटेल्स के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ कैसे आप इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं वो भी आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये डिफेंस जॉब है, जो पोस्ट है वो है सोल्जर जीडी, सोल्जर टेक्निकल ट्रेड्समैन एंड क्लर्क। कुल मिलाकर यहाँ पे 1000 से भी ज्यादा पोस्ट का वैकेंसी है। इसके बाद आ जाते हैं सैलरी पे। सैलरी होगा 25,000 रुपीज से लेकर 60,000 रुपीज पर मंथ। अब आ जाते हैं क्वालिफिकेशन पे। दोस्तों अगर आप 10 पास करी हुई है देन आप सोल्जर जीडी एंड ट्रेड्समैन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सोल्जर टेक्निकल एंड सोल्जर क्लर्क के लिए अप्लाई करना चाहते हैं देन आपको 12 पास करना होगा। इसके बाद आ जाता है एज लिमिट पे। दोस्तों अगर आप सोल्जर टेक्निकल सोल्जर क्लर्क एंड ट्रेड्समैन के लिए अप्लाई करते हैं देन आपका एज लिमिट होना चाहिए 17.5 ईयर्स से लेकर 23 ईयर्स तक, लेकिन इसके अलावा अगर आप सोल्जर जीडी के लिए अप्लाई करते हैं देन आपका एज लिमिट होना चाहिए 17.5 ईयर्स से लेकर 21 ईयर्स तक। आप आ जाते हैं नेशनलिटी पे, वो होना चाहिए इंडियन। जॉब लोकेशन होगा ऑल ओवर इंडिया में। आप आ जाते हैं एप्लीकेशन फीस पे। दोस्तों यहाँ पे आपको कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं लगेगा। इसके बाद आता है सिलेक्शन प्रोसेस पे। दोस्तों इसका सिलेक्शन तो होगा रैली के थ्रू। रैली में आपका सबसे पहले फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा, अगर आप उस पर क्वालिफाई कर जाते हैं देन आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं हाउ टू अप्लाई पे। दोस्तों सबसे पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आपको जाना होगा www.joinindianarmy.nic.in। यह है इसका ऑफिशियल वेबसाइट। आप सब इस वेबसाइट में जाके इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए जो रैली वेन्यू है वो है पालजोर स्पोर्ट्स स्टेडियम गैंगटॉक सिक्किम। इसके बाद आता है इम्पोर्टेंट डेट्स टू रिमेम्बर पे। दोस्तों इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है एंड लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म है 3 फरवरी 2018। आपको इस डेट को ध्यान में रखना होगा क्योंकि 3 फरवरी के बाद आप इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। दोस्तों इसके लिए जो रैली होगा वो स्टार्ट होगा 19 फरवरी 2018 को एंड ये रैली चलेगा 23 फरवरी 2018 तक, ठीक है। दोस्तों मैं अपने इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे इस लिंक को दे दूंगा, पर्टिकुलर इस लिंक को दे दूंगा। तो जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ से इसका फुल डिटेल्स तो चेक कर ही सकते हैं, साथ ही साथ अगर आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं देन आप सिंपली ऑफिशियल नोटिफिकेशन का राइट साइड पर जो डाउनलोड हेयर का ऑप्शन है इसके ऊपर एक बार क्लिक करना। जैसे ही आप इसके ऊपर एक बार क्लिक करेंगे तो एक न्यू टैब में आपके लिए इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा। देखिए ये सारे डिटेल्स मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, फिर भी आप यहाँ से इसको अच्छे से चेक कर लेना। इसके अलावा अगर आप इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं देन आपको यहाँ पे देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन है, आपको सिंपली इसके राइट साइड पर जो क्लिक हेयर का ऑप्शन है इसके ऊपर एक बार क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर जो कैप्चा दिखाई देगा आपको उसको सिंपली यहाँ पे टाइप कर देना है। जैसे ही आप कैप्चा सही से टाइप कर देंगे तो आप इसका इंडियन आर्मी का ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे राइट साइड पे देखिए अप्लाई ऑनलाइन का एक टैब है, उसके नीचे देखिए रजिस्ट्रेशन एंड अप्लाई ऑनलाइन का एक ऑप्शन है। अगर आप पहली बार यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं देन आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। जैसे आप रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखी होगी, आपको सिंपली इसको अच्छे से पढ़ लेना है एंड देन कंटिन्यू कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू कर देंगे तो आपके सामने इसका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। आपको सिंपली इस फॉर्म को अपना पर्सनल डिटेल्स देके फिलअप करना है एंड सबमिट कर देना है। जैसे ही आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिटेड हो जाएगा देन आपका मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी पे आपका जो एप्लीकेशन आईडी है वो एंड आपका जो पासवर्ड है वो सेंड कर दिया जाएगा। देन आप उस एप्लीकेशन आईडी एंड पासवर्ड की मदद से यहाँ पे फिर से रैली के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों फिर भी अगर आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के दौरान कोई भी दिक्कत हो रही है देन आप कमेंट में जरूर लिखना, मैं एज सुन एज आपको रिप्लाई देने की ट्राई करूंगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद है, अगर पसंद है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू वैकेंसी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।